अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, अभी हो रही है गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग आया है, आई नो काफ़ी टाइम से हम व्लॉग नहीं शूट कर पा रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से। और आज से मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ रोज़ अपडेट करती रहा करूँगी आप लोगों को। और पीछे से मम्मी चिल्लाए जा रही हैं, उनको बंद करके रखा है क्योंकि मैंने, और अभी 3 बज रहा है। ये वाली क्लिप जो देख रहे हैं आप लोग 3 बजे की है। मम्मी को मैं बाहर लेकर आई थी थोड़ा सा, ये इनको ऐसे ही पसंद है घूमना, बस आसपास क्या हो रहा है इनको, ये सूंघे जाती है। तो आई होप आप लोग को अब व्लॉग्स में कोई देरी नहीं मिलेगी, रोज़ तो नहीं बट हफ्ते में 1-2 व्लॉग्स तो ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे कि लेकर आएँ। और फिलहाल इंजॉय करें आप लोग व्लॉग को। मिमी बेबी, मिमी डांस करके दिखाएगी आप सबको यहाँ पे। मिमी खड़ी तो हो, हे खड़ी नहीं हो रही हूँ अभी, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। तुम मुझे दे दो तुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फाइनली मैं अब एक और व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज संडे था और बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाना चालू करा। तो अभी के व्लॉग में आज ये है कि आज हमने पूरा कमरा रमज़ान आने से पहले फिर से रीडेकोरेट करा, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करी और स्पेस की जितनी हमारे मतलब टारगेट ये था कि स्पेस और कम्फर्ट दोनों एक साथ मिल जाए, तो उसी बेस पर हमने पूरा रूम तैयार करा आज। और इसका मैं इंशाल्लाह कल बताऊँगा कैसे हमने अरेंजमेंट करें क्या करें। और अभी फ़िलहाल हम लोग बैठे थे और क्रेविंग हो रही थी कुछ बाहर के खाने की, तो अभी हम लोगों ने कुछ चिकन ट्विस्टर वगैरह ऐसे कुछ ऑर्डर करा है कि चलो यार यही खाते हैं। तो बस उसी के आने का वेट हो रहा है। एक्चुअली वो आएगा नहीं आज, डिलीवरी बॉय उनका गायब है, तो मुझे लेने जाना पड़ेगा और मैं जाऊँगा और देख के वापस बाहर के बाहर चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ काम है और ये लोग मुझे जाने नहीं देते, ये बड़ी परेशानी की बात है। अभी शब बारात थी, आई होप आप लोगों की सबकी इबादत बहुत अच्छी हुई होगी, सबने ऊपर वाले से बहुत कुछ मांगा होगा, पर मैं यही चाहूँगा कि जितना हो सके यही मांगे कि अपना देश हिंदुस्तान जो है वो हर चीज़ से सेफ रहे, यहाँ पर सब एकता से रहें, सारी यूनिटी से रहें, नफरत बिल्कुल ना फैले, सब मोहब्बत से रहें और सब खुश रहें बस, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। हिंदुस्तान बहुत मतलब बढ़ रहा है, तो हिंदुस्तान बढ़े नहीं, हिंदुस्तान एक जैसे ही रहे, एक साथ रहे, मेरी यही कोशिश है और यही दुआ है आप लोगों के सबके लिए। आप लोगों के सबके पेरेंट्स ठीक हों, सब अच्छे से रहें, मेरी ये दुआ है। और इंशाल्लाह धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाते रहते हैं, फिर ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहता, बनाना चाहता हूँ। मैं कई बार सोचता भी हूँ यार चलो मैं ब्लॉग शूट कर लूँ, पर मैं नहीं कर पाता क्योंकि आलस बड़ी ख़राब चीज़ है और मेरे अंदर ही कूट कूट के भरी, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। और मेरे न्यू शूज़ मैंने अभी लिए हैं, ये एयर जॉर्डन है, बहुत अच्छे शूज़ है, मतलब इसकी मेरे लगभग ये तीसरा शूज़ लिया यही वाला, बहुत अच्छा शूज़ रहता है, काफ़ी कम्फर्ट रहता है और लुक भी बहुत अच्छा देता है। तो अगर जो भी चाहे वो नाइकी पे एयर जॉर्डन ट्राई करें, बहुत अच्छे प्राइस में मिलेगा और बहुत अच्छा शू है। बेटे ये गाइस मेरा नया फ्रेंड है, काफ़ी फ्रेंडली हैं दोनों, और इसका नाम है टॉमी और उसका नाम है राजू। तो ये लोग बस ये देखिए आप इतने मतलब कम टाइम में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई इनसे कि ये बस मेरी जान के पीछे पड़ जाते हैं दोनों। बस 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 भैया बस दूर की दोस्ती बस हो गई, इतना प्यार नहीं, इतनी ज़्यादा मोहब्बत की आदत भी नहीं है मुझे। तो और एक वो है दूर से जल रहा हूँ कि हमें कोई मुँह क्यों नहीं लगा रहा, आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ। तो गाइस ये मेरे कुछ नए दोस्त, इन लोगों के साथ बैठ जाता हूँ, कभी कभार इनको बिस्किट भी दे देता हूँ जो कि नहीं देना चाहिए। और बस अब ये बैठ जाएंगे, बस इनने कहा हमने मुँह लगा लिया, इससे ज़्यादा मुँह नहीं लगा सकते, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना, फिर उसके बाद बैठ गए। और आपको आप लोगों जैसा मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि जानवरों से मुझे काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी हमदर्दी है, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो, मैं जानवरों में धर्म जात नहीं देखता। और ये कितने मज़ों से खा रही हैं और ये मुँह देख रहे हैं, इन भाई सबको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से बड़े टेंशन में, रुक जाओ तुम्हें भी मौका मिलेगा। और ये खाई जा रही है मैडम, इससे पता चलता है कि औरतों को आदमियों पर कितना दबदबा है, देख सकते हैं आदमी सूख के लल्लू हो रहा है और ये औरत को भी कैसे खाए जा रही हैं बेशर्मों की तरह, जो बेचारा तरस रहा है लेकिन नहीं मिल रहा। और ये मेरे अजीज़, मेरे काफ़ी क्लोज मेरे भाई हमजा,
इनके साथ में बैठता हूँ और काफ़ी अच्छी बातें हम लोगों को हो जाती है, बहुत अच्छे ख्यालात मिलते जुलते हैं हम लोगों के, तो बस हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कुछ बस ऐसी बातें इधर उधर की हो जाती हैं, गीबत से बचने की कोशिश करते हैं झूठ से, लेकिन बहरहाल ये है कि बहुत मज़ेदार बातें हमारे भाई के साथ होती है हमसे, और काफ़ी अच्छा भाई है हमारा, बहुत ख्याल रखता है घरों का, इनसे बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं, तो इन्हीं के साथ मैं बैठना प्रेफर करता हूँ बजाय ऐसे एरे गेरे छुरकुटों से, इनके साथ बैठना ज़्यादा अच्छा है, तो इस वक्त मैं इन्हीं के साथ बैठा हुआ हूँ और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है हम लोग की, सगे भाइयों जैसा प्यार है। तो बस गाइस इस व्लॉग में अभी तो फिलहाल मैं जो जो करता जाऊँगा आपको बताता हूँ इंशाल्लाह, जब तक के लिए मिलते हैं अल्लाह हाफिज़। इस वक्त लेट नाइट में रात का 4 बज रहा है और मुझे हमजा के साथ बैठा था मैं, तो काफ़ी मज़ा आया, वक्त का पता नहीं चला, और अब मैं फ़िलहाल पिस्टल लेने जा रहा हूँ, अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर मुगल दरबार करके है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, वहाँ से मैं पिस्टल लूँगा जो कि घर से फरमाइश आई है, और उसके लिए मैं बस नीचे जा ही रहा हूँ IPC खानू गाँव, रात के 4 बजे तक मुगल दरबार खुला रहता है, अगर जो भोपाल से हैं वो यहाँ पर आए बहुत अच्छे आइटम्स मिलते हैं उसको ट्राई कर सकते हैं, और अभी मैं आपको मुगल दरबार की छोटी सी झलक दिखाऊँगा। तो गाइस ये है मुगल दरबार, बहुत अच्छा और सबसे उम्दा भोपाल में, और ये IPC ग्राउंड, और मुगल दरबार के आने वाली ब्रांच के ऑनर उमर भाई बैठे हुए हैं, तो ब्लॉग में उमर भाई से मिली है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मिजाज के और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, हमारे ट्विस्टर लेट नाइट डे भी देते हैं, रुक भी जाते हैं हमारे लिए, और ये चचा हमें तंदूरी रोटी बहुत अच्छी खिलाते हैं। तो गाइस ये है मुगल दरबार, बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का, कभी जो लोग भोपाल से हों वो जो ब्लॉग देख रहे हों वो यहाँ पर इंशाल्लाह कभी भी आए ट्राई करें, उमर भाई से मिलें, ठीक है साहब, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस फाइनली मेरे हाथ में ट्विस्टर है, मैंने ट्विस्टर ले ली है, रात का 4 बज रहा है और ये मेरी गाड़ी स्टार्ट होने पर है। मम्मी साथ थी और मम्मी को बड़ा अच्छा लगा, अच्छा। और अब ये रुकनी नहीं है बिल्कुल। मम्मी कहाँ गए थे? पता तो कहाँ गए थे? खुश हो रही थी बहुत, वाइब्रेशन आ रहा था इनके। सर एक पोस्ट तो दे दो, एक पोस्ट तो अभी हो रही है सुबह, और सुबह के नाश्ते में मिल रही है मैगी, सुबह के नाश्ते में मैगी खाने का कुछ एक सब आज से वो करवा दिया, वायरिंग की बुक कर फोन रखी ना, वायर वायर करवा लिया, क्या करवा दी वो वायर अलग निकलवा दी, हाँ जी मैं करवा दूँगी, आ जाओ अभी करवाएंगे, अभी इसको खा लें या ये सब तुम्हारे आयर वायर की बात होगी, अभी होगी बात उसके खाने के बाद, खाने के बाद बात होगी ना, तो अभी अपन मैगी खा लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। मम्मी को जब हम लोग खाना खाते हैं तो उन्हें भी खाना चाहिए होता है, हम लोग के साथ खाती है मम्मी का खाना, लीजिए जनाब ये भी हम लोग के साथ ही खाना खाती है, हम लोग जब भी खाना खाते आके बैठ जाती है कि मुझे भी खाना दो। फिलहाल जो है इनकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अभी ये नहाने गए हैं, इन्होंने कहा जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस कर दो, और ये रखा मेरा पुराना फ़ोन, मुझे अलर्जी कुछ मोहब्बत इस काम से, मैं भी क्या बताऊँ, मैं मेरे इतने सारे गेम सब चले जाएंगे इस फ़ोन में, और इसमें आईफोन में ये इशू आता है कि मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं, ये ज़्यादा गेम्स नहीं खेल सकती, फ़ोन में बैटरी हेल्थ डाउन होने लगती है, और ये रहा मेरा पुराना फ़ोन, मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी इस फ़ोन से, अफसोस।
कहाँ जाना है? दुकान। और अभी किसको लेकर आएंगे? हम जरूर। मैं? सरपा। वो प्लंबर। प्लंबर और? और पेंटर, कारपेंटर। कारपेंटर? जो कार को पेंट कर, जो कार को पेंट करता। क्यों? वो घर को भी कर देगा। वायर? वो भी वही कर देगा ना, जो कार करता है, कार सुधारता है, कार पेंट करता है, वो वायर भी कर देगा, क्योंकि गाड़ी में वायर तो जोड़ता ही होगा। ये इनके लॉजिक साथ में सब। अरे मजाक तो बहुत होगा यार। मजाक बहुत नहीं, मजाक नहीं होगा जब से। आई एम सो हैप्पी। और पुराने घर से आपको क्या निकलवाना है? पुराने घर से मुझे अभी रॉड निकलवानी है, जो जिसमें पर्दे डालते हैं, और अभी तो मैं पुराने घर जाना पड़ेगा यार, राजा दू अभी काम है वहाँ। आप जिनको वो लेकर आएंगे ना, जो वायरिंग निकालेंगे, कैमरे वाले इधर सुनिए मेरी बात। हाँ मैं सब सुन रहा हूँ, तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो उन्हीं से कहना तो वो पुराने घर से पंखा वो निकाल देंगे। ओके क्या जाइए क्या खाना खाना खाओगी? तुम्हारा खाना कहाँ रखा है? नहीं पता यार, नागू करो, ऊपर देखो मिमी। क्या चाहिए? मछली शो आ चुके हैं और ये बांध में शुरू उनका खाना, उनके लिए मैं पास आके तक नहीं देखती। ये खाओगी? उसका दे दूँ पप्पी? तो पहले नाखू करो। नहीं मैं नहीं दूंगा पप्पा दो, मैं पप्पी दो, पप्पी दो पहले हाथ मिला। हाँ ये निकलने भी नहीं देती, वो पहले ही खाना शुरू कर देती है। वो भी क्यों नारियल पानी खोल के देंगी, निकाल के देंगी, लगा के उसमें पाई जूते दे। नहीं वो नहीं लाया शुरू से, पंगा तो बंद कर दी। नहीं कर रहा पंगा मैं। अभी कहाँ से बढ़ूँ यार, छुरी भी नहीं रखती यार। पाई तो अभी जो है जीशु जा चुके हैं फिर से दोस्तों के पास। उनको मैंने मना किया था कि आज मत जाएं, क्योंकि कल वो आए थे 4 बजे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी आएंगे, लेकिन अभी वो फिर जा चुके हैं और अब देखते हैं वो कितने बजे आएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि मैं आ जाऊंगा 3 बजे। अभी बज रहा है 1:20, 1:20:30 कुछ हो रहा है, मतलब 1:30 बज रहा है। तो देखते हैं वो कब तक आते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।